डिपार्टमेंट ये है, इनका ये होता है कि हर साल ये क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, फिर जो आपके जो अर्बन एरियाज़ में जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, चाहे वो हंदवाड़ा हो, सोपोर हो, बारामूला या आपका श्रीनगर हो, कोई भी सिटी जो अर्बन एरियाज़ है, वहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट जो लकड़ी होती है, वहाँ जो मास्क होती है या जो हमाम के लिए, तो वहाँ पर ये उन लोगों को डालते हैं ये लकड़ी। लेकिन सवाल अब ये पैदा होता है कि जिन जगहों से ये निकालते हैं, जहाँ से एक्सट्रैक्शन होती है, वो कहते हैं ना, वो कश्मीरी में एक कहावत है, एक प्रोवर्ब है, वो कहते हैं गाड़ रोजन आब असमत रेशन अरमान। लेकिन जो फॉरेस्ट डेवलपर्स है, जैसे अपर राजवार जहाँ से ये लकड़ी निकालते हैं, या लोअर राजवार जहाँ पे जंगलात है, उन लोगों को ये लकड़ मैसर नहीं है। लेकिन जब वो जाते हैं जंगलों में यही उठाने के लिए, तो इनको FIR वहाँ पर लॉन्च किया जाता है। तो मैं बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव, मेरा ये हक बनता है कि इनसे ये सवाल करना कि अगर आप यहाँ से अर्बन एरियाज़ में, मैं उनके ख़िलाफ़ तो नहीं हूँ, वो भी अपने लोग हैं, जब आप वहाँ से लकड़ी लाते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो, वहाँ ले जाते हो, तो उनको ये हक बनता है। लेकिन क्या उन लोगों को ये हक नहीं है जहाँ पर ये, जहाँ से आप ये लकड़ी निकालते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो? कोई पॉलिसी लेकर तो आइए वहाँ पर, आप इस विंटर्स में एक टेम्परली एक डिपो खड़ा करें आप इस जो फॉरेस्ट एक्सट्रैक्शन जो है, फॉरेस्ट जो ये क्या बोलते हैं, फायर बोर्ड जो है, इसका एक टेम्परली मैं ये कहूँगा ट्रांसिट डिपो एक खड़ा करें, ताकि लोगों को मुश्किलों का सामना ना करना। हमें हर रोज़ 5-5, 10-10 फ़ोन आते हैं इस लकड़ के बारे में कि फलानी साहब को फ़ोन करें, रेंज ऑफिसर को फ़ोन करें, DFO साहब को फ़ोन करें, उनको बताएं कि हमें जो मस्जिदें हैं उनकी हमाम के लिए हमें लकड़ चाहिए। वो भी पैसे पे करेंगे, लेकिन मुनासिब दामों पे। अगर अर्बन एरियाज़ में 35 रुपये आपको पर क्विंटल के हिसाब से आप बेचते हो, लेकिन वहाँ पे बहुत कम रेटों पे, इससे ये होगा कि इसके मल्टी बेनिफिट्स हैं। एक तो ये बेनिफिट है कि वहाँ पे स्मगलिंग नहीं हो जाएगी। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि नहीं, जैसा जो लॉ आपको, वो तो लॉज को बालाई ताक नहीं रखेंगे, लेकिन इसलिए मैंने इस गाड़ी को रोका यहाँ पे, पहले हमारे साथ बैठिए, हमारे साथ बात करें आप, आपकी क्या पॉलिसी है वहाँ पे। तो लोग पिछले तकरीबन एक महीने से, अगर झूठ ही माने तो तकरीबन 50 FIR उन्होंने लॉन्च किए हैं अननेसेसरी। कोई पॉलिसी नहीं है, FIR लॉन्च करने से हमारा मसला का हल हो जाएगा? तो ये एग्रीवेट करने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स को। तो मैंने अब ये सोचा कि इस लकड़ी को हम तब तक वहाँ से जहाँ पर है ये, इसको डिस्प्लेस होने की इजाज़त नहीं है तब तक, जब तक नहीं हमारे साथ बात करें।